अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको मलाई बोटी समोसे बनाने बता रही हूँ। उसके लिए मैंने 300 ग्राम चिकन लिए, उसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 3 चम्मच मैंने दही ली हुई है फेटी हुई। 4 चम्मच मैंने जो है वो फ्रेश क्रीम लिए। एक चमची मैंने जो है वो कूटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च लिए पिसी हुई और 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ली हुई है पिसी हुई। और नमक जो है वो आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल लें और इसको मिक्स करते हैं। इसको हम 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करके लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हमारा ये मैरिनेट हो गया है। अब इसके अंदर हम कोयले का धुआं देंगे। इसके अंदर मैं कोयला रख दिया, अब मैं इसके अंदर धुआं दूंगी। इसको मैं जल्दी से कवर कर दूंगी। ये चिकन मेरी मैरिनेट हो गई है 1/2 घंटा। इसके अंदर मैंने धुआं भी दे दिया है, अब मैं इसको पकाऊंगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ पैन को ग्रीस करने के लिए। अब ये चिकन मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसका पानी खुश होने तक मैं पकाऊंगी और उतनी देर में इसका गोश्त निकल जाएगा और ये पानी भी खुश हो जाएगा। ये हमारी चिकन का पानी खुश हो गया और चिकन भी हमारी गल गई है बहुत अच्छी तरह। तो इस वाले कंडीशन पर हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, यानी चूल्हा बंद कर दिया मैंने। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई, अब इसको हम समोसे के अंदर फिल कर लेंगे। मैंने एक प्याले में गर्म पानी लिया है, बहुत तेज़ गर्म नहीं है, हल्का गर्म है। उसके अंदर मैं ये आटा जो है इसको घोल बना रही हूँ। इसका गर्म पानी में करने से ना बहुत अच्छा सा ये घोल बनता है और इसके अंदर चिपक भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं समोसे बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये इसको कोना पकड़ा है और इसको ऐसे गोल घुमाया है। गोल घुमाने के बाद मेरा पॉकेट बन गया। पॉकेट में मैं इसके अंदर फिलिंग डालूंगी। फिलिंग डल गई मेरी। अब इसको मैं दबा के हाथ से इस तरह बनाऊंगी, फिर यूँ फोल्ड करूंगी। मैं इसमें घोल लगा के इसको बंद कर दूंगी। ये हमारा समोसे तैयार हो गए, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको समोसों को फ्राई कर रही हूँ मीडियम से थोड़ा कम पे। मैंने उसकी फ्लेम रखा हुआ है, उस पर मैं फ्राई कर दूँ। ये समोसे हमारे फ्राई हो गए।